रेड को यहाँ पे लगा दीजिए और ब्लैक को यहाँ पे लगा दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब दो बैटरी का 3 वोल्ट दिखा रहा है जो कि 24 के ऊपर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डबल बैटरी यूपीएस कैसे चेक किया जाता है, मतलब आप कैसे ट्रबल शूट करोगे और कैसे आपको पता चलेगा कि जो यूपीएस है इसका बैटरी खराब है कि नहीं। अगर खराब है तो दोनों बैटरी खराब है या सिंगल एक बैटरी खराब है, कैसे आपको टेस्ट करना है वही हम इस वीडियो में पूरा आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखिए अभी एसी करंट में लगा हुआ है और यूपीएस जो है यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। देखिए अभी यूपीएस को चलिए ऑन करते हैं, ऑन हो चुका है। अभी देखना है, अभी देखिए एसी करंट से स्विच ऑफ करने से ही जो यूपीएस है पूरा डेड हो जाएगा। देखिए बैकअप का लाइट जो है दो बार ब्लिंक करके यहाँ पे बंद हो गया, मतलब इसमें 0% भी बैकअप नहीं है, 0% भी नहीं है। तो हम लोगों को अभी चेक करना है कि किस लिए बैकअप नहीं दे रहा है, एक्चुअली में बैटरी ख़राब है या पीसीबी ख़राब है या आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो एक एक करके चेक करेंगे, अगर बैटरी ख़राब है तो कौन सा बैटरी ख़राब है या दोनों ही बैटरी ख़राब है, सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। तो दोस्तों डबल बैटरी यूपीएस खोलने के लिए जो है माइक्रोटेक का है, तो देखिए 6 स्क्रू मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, इसको ऑफ कर देते हैं। पहले एसी करंट से प्लग को निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए जो ढक्कन है ऊपर का पूरा आपका खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अभी देखिए यहाँ पे दो बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी तो देखिए यहाँ पे टोटली फुल गया है, देख सकते हैं। और ये वाला शायद इससे ज़्यादा नया है, तो ऐसे ही पता चलता नहीं है, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए डबल बैटरी चेक करने के लिए आपका दो बैटरी एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेड को यहाँ पे लगा दीजिए और ब्लैक को यहाँ पे लगा दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब दो बैटरी का 3 वोल्ट दिखा रहा है जो कि 24 के ऊपर होना चाहिए, 24 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक एक बैटरी 12 वोल्ट के है तो 12 बड़ा 24 मतलब 24 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी दोनों बैटरी का मैंने चेक कर लिया, अभी एक एक करके चेक करेंगे। तो एक एक करके चेक करने के लिए आपको इसका जो सीरीज कनेक्शन है वो खोलना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा टाइट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा तातल से यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है, इसलिए मतलब ये वाला खोलने में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया इसलिए ये वाला नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों आप अगर अभी तो मैं दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे सीरीज कनेक्शन जो है सीरीज कनेक्शन को खोल दीजिए और एक एक करके चेक कीजिएगा। एक एक करके चेक कीजिएगा, अभी देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो आप अगर क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरीज कनेक्शन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, देखिए 0 दिखा रहा है, आप अगर इसमें लगाओगे तो आपको वोल्टेज दिखाएगा। तो ऐसे ही आप चेक कीजिएगा
और बैटरी अगर 3 वोल्ट दिखा रहा है तो ज़रूर आप बैटरी चेंज कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपका मतलब UPS जो है वो चालू हो जाएगा। तो आपको नया UPS खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे ही काम चला सकते हो, 2 बैटरी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मार्केट में जाइए, बैटरी लेके आइए, UPS का बहुत ही सस्ता पड़ता है, ज़्यादा मतलब प्राइस भी नहीं है, तो आप देख लीजिएगा आपके मार्केट के हिसाब से कितना प्राइस है और यहाँ पे लगा दीजिए तो UPS चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है एक्चुअली। और मैंने ऑलरेडी UPS के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, मैंने ट्रांसफार्मर ख़राब था, एक शॉर्ट डाला था तो बहुत ज़्यादा रीच मिली उस शॉर्ट वीडियो को, और UPS के बारे में भी मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है, अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।